हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद। और आज मैं नॉर्थ इंडिया में जो ज़्यादातर फल होते हैं उनमें से कुछ फल जो मेरे यहां पर हैं मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले तो ये आप जो देख रहे हैं गर्मियों का तोहफा, ये अनार अभी कच्चा है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको, तकरीबन 1 महीना लग जाएगा इसको पकने में पेड़ पर ही, और उसके बाद ये बहुत ही शानदार हो जाएगा। और इसके बगल में जो आप ये देख रहे हैं ये अमरूद का पेड़ है, इस पर भी कुछ दिन पहले छोटे छोटे फूल आ रहे थे। ये देखिए, अब ये छोटे छोटे फूल जो हैं वो अमरूद में बदलना शुरू हो गए हैं, तकरीबन इनको भी 1 महीना लग जाएगा बड़ा होने में। और फ्रेंड्स, ये जामुन है, जामुन का पेड़ है, और अभी इस पे फूल आना शुरू हुआ है, तो इसको भी तकरीबन जुलाई फर्स्ट वीक में इसके जो फल होते हैं वो पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा फल होता है, खट्टा मीठा से फल होता है, बैंगनी रंग का होता है, और जो शुगर वाले पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत मुफीद माना जाता है, और इसका सिरका भी बनाया जाता है। तो जुलाई एंड तक ये फल भी तैयार हो जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, ये देखिए चीकू जो है, चीकू अभी कच्चा है ये, और इस पर कुछ नए कोपल भी फूट रही हैं जिनको, जो कि चीकू बन जाएंगी। और फ्रेंड्स, ये आप पहचान ही गए, ये वो कैटिया जो कि अक्सर यहाँ आती है। और ये दूसरा अनार का पेड़ फ्रेंड्स जो लगा हुआ है, इसका कलर अलग है अनार का। और लास्ट में ये देखिए, ये जो है ये पपीते का पेड़ है, और इस पे ये एक पपीता मैं पहले ही तोड़ चुका था, और ये दूसरा पपीता है तो ये पक चुका है पेड़ का ही, तो इसको भी तोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की ये वीडियो समर फ्रूट्स के ऊपर, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।